दोस्तों बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षा में बिहार जीके से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके से संबंधित टॉप 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। पहला पूछा ही जाता है, शुरू में जनगणना से संबंधित पॉइंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो स्थान है तीसरा है और क्षेत्रफल में 12वां स्थान है। जनसंख्या हम आप शुरू से याद रख लीजिएगा इस तरह से, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, तीसरे स्थान पर बिहार है, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। एग्जाम में दूसरे तीसरे नंबर का भी पूछ दिया जाता है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, बिहार का स्थान है 12वां। अब अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुष या महिलाएं हैं। बिहार की आपको टोटल जनसंख्या याद रखना है। बिहार की जो टोटल जनसंख्या है 10,40,99,452, 10,41,00,000 आप याद रखिएगा, जिसमें पुरुष की जनसंख्या है 5,42,78,157, महिला की जनसंख्या है 4,98,21,295। अगला लिंगानुपात से संबंधित है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। बिहार में प्रति हज़ार पुरुषों पर महिलाओं की सबसे कम संख्या वाला जिला है मुंगेर है। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, मुंगेर है। मुंगेर की जो लिंगानुपात है 876 है, याद रख लीजिएगा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। अगला पॉइंट यही है, बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष की संख्या से अधिक है, तो गोपालगंज। गोपालगंज की जो लिंगानुपात है 1021 है, बिहार का एकमात्र जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो बिहार गोपालगंज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है, इसको सुधार कर लीजिए। यहाँ पर 8.07 है, गलत दिया हुआ है, 8.60 होगा। बिहार की जनसंख्या का कुल बिहार में जो निवास करती है 8.60%। अगला पॉइंट है, 2001 से 11 के दशक में बिहार की जनसंख्या की वृद्धि दर है, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा, इसको भी सुधार कर लीजिए, 25.40% होगा। बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 25.40% है, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाएगा 2001 से 11 के दशक में, या सीधा भी पूछा जा सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो 25.40% है। अगला पॉइंट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है। अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम में, यानी शुरू में सबसे बड़ा होना चाहिए, इसके बाद इससे कम, इस तरह से। बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है शिवहर है, शिवहर का जनसंख्या घनत्व है 1880 है, और सबसे कम है कैमूर जिला का, कैमूर का याद रख लीजिएगा 488 मात्र जनसंख्या घनत्व है। एग्जाम में पूछा जाता है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कैमूर है 488 है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर 1880 है। अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो शिवहर, शिवहर का हो जाएगा 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, तो कैमूर है, कैमूर का जनसंख्या घनत्व है 488। एग्जाम में यह भी पूछ दिया जाता है कि कैमूर का कितना जनसंख्या घनत्व है, तो 488 है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के आधार पर किस जिले की सर्वाधिक जनसंख्या है, पटना की सर्वाधिक जनसंख्या है। अगला पॉइंट है, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का क्या अनुपात है, यहाँ पर है 90:10, 100 मान लीजिए यहाँ पर टोटल व्यक्ति है जिसमें से 10 व्यक्ति शहर में निवास करते हैं, तो 90 व्यक्ति जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं। अगला पॉइंट है, बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है, तो 11.3% है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है, तो बिहार का जो स्थान है प्रथम स्थान पर है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106। बिहार के बाद आता है नंबर पश्चिम बंगाल का। अगला पॉइंट है, बिहार में साक्षरता दर प्रतिशत है, बिहार की जो साक्षरता दर है 61.80%। इसके बाद अगला पॉइंट है, वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हज़ार है, तो 27.7 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला की साक्षरता दर है, तो महिला की साक्षरता दर 51.5%, और टोटल मिलाकर ओवरऑल जो साक्षरता दर है 61.80%। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक अधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जो जिला है रोहतास जिला, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला है सहरसा। अगला पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 918 है। बिहार की जो ओवरऑल लिंगानुपात है 918 है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। तीनों पॉइंट याद रख लीजिएगा, इस बार बीपीएससी एग्जाम में बाल लिंगानुपात यानी शिशु लिंगानुपात पूछ दिया गया था। शिशु लिंगानुपात में जो काउंट किया जाता है 0 से लेकर 6 वर्ष के आयु के बीच, बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है 935 है, यह भी याद रख लीजिएगा, और सभी उम्र का मिलाकर ओवरऑल जो लिंगानुपात हो गया 918। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 10,40,99,452 है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है, तो बिहार की ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर ही आश्रित है, कृषि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय करता है, 46%। अगला पॉइंट है, बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, सुशील मोदी जी, उसमें वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन चार राज्यों में निवास करते हैं, तो बिहार हो जाएगा प्रथम स्थान पर, इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। अगला पॉइंट है, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है, तो बिहार है। भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अभी इन राज्यों में भी फैल चुका है, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, इन सभी राज्यों में नक्सलवाद है। इसके बाद है, जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति किस राज्य में है, तो बिहार में है। अगला पॉइंट है, पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था, सभी तरह का क्वेश्चन है, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी है। पटना स्थित गोलघर का जो निर्माण हुआ था 1786 ईस्वी में, निर्माण जो करवाया था कैप्टन जॉन गॉस्टिन, गोलघर की जो ऊंचाई है 96 फीट है। अगला पॉइंट है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर ने कहा निर्वाण प्राप्त किया था? सही आंसर होगा इसका पावापुरी। अगला पॉइंट है, राजगृह का पुराना नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा गिरिवर्ज। अगला पॉइंट है, मखदुम कुंड कहाँ स्थित है? बिहार के राजगीर जिला में, राजगृह हो जाएगा। अगला पॉइंट है, किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिला में स्थित है और जगह का नाम है देव। जिला का नाम भी याद रख लीजिएगा, औरंगाबाद जिला। अगला पॉइंट है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ह्वेनसांग स्मारक हो जाएगा। अगला पॉइंट है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ। अगला पॉइंट है, बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत है? राजगीर में है। अगला पॉइंट है, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार के गया जिला में। अगला पॉइंट है, बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी पेंटिंग, यह विश्व स्तर पर विख्यात है। अगला पॉइंट है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व है? बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है। अगला पॉइंट है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? सही आंसर हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह। अगला पॉइंट है, कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। अगला पॉइंट है, कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा कैप्टन डनवर। अगला पॉइंट है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858। अगला पॉइंट है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा के। अगला पॉइंट है, स्वामी सहजानंद का संबंध था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ। स्वामी सहजानंद सरस्वती संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा, बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। अगला पॉइंट है, बिहार के कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है 48.18%। अगला पॉइंट है, बिहार में उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है तो गंडक परियोजना। एग्जाम इस तरह से भी पूछ दिया जाता है, गंडक परियोजना जो है बिहार उत्तर प्रदेश नेपाल भी इसमें सम्मिलित है। एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार उत्तर प्रदेश एवं नेपाल कौन सी परियोजना में सम्मिलित है, तो गंडक परियोजना। अगला पॉइंट है, बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया? कोसी नदी पर। अगला पॉइंट है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखाना हो जाएगा। अगला पॉइंट है, बिहार में राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई है तो 3740 किलोमीटर। अगला पॉइंट है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईसीआर जोन का जो मुख्यालय है हाजीपुर में। अगला पॉइंट है, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है? हाजीपुर जिला हो जाएगा। लीची उत्पादन में मुजफ्फरपुर जिला है। अगला पॉइंट है, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो बिहार है। बिहार में सर्वाधिक मखाना की खेती मिथिला क्षेत्र में की जाती है। अगला पॉइंट है, मूल रूप से विहार शब्द का अर्थ है तो बौद्ध मठ हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला पॉइंट है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। अगला पॉइंट है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वैशाली में। अगला पॉइंट है, बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी नरेश द्वारा। एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से कि विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिहार में वैशाली जिला में। जगह का नाम याद रख लीजिएगा, लिच्छवी, लिच्छवी नरेश द्वारा स्थापित किया गया था। अगला पॉइंट है, चलहना कहाँ की राजकुमारी थी? सही आंसर हो जाएगा वज्जी लिच्छवी। अगला पॉइंट है, किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? बिंबिसार हो जाएगा। वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी। अगला पॉइंट है, अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? हरियक वंश हो जाएगा। अगला पॉइंट है, अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? राजगिरी में। अगला पॉइंट, अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अवंती हो जाएगा सही आंसर। अगला पॉइंट, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो गिरिवर्ज, राजगिरी। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन। अगला पॉइंट है, उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? सही आंसर हो जाएगा शिशु नागवंश। अगला पॉइंट है, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। अगला क्वेश्चन है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला पॉइंट है, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद, नंदवंश के शासक थे। अगला पॉइंट है, मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो लकड़ी से बना था। अगला पॉइंट है, वह ग्रंथ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाखदत्त में। अगला पॉइंट है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला पॉइंट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरण में। अगला पॉइंट है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो तक्षशिला हो जाएगा। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र अपनी राजधानी बनाई। अगला पॉइंट है, मेघास्थनीज पुस्तक का नाम है? तो इंडिका। मेघास्थनीज द्वारा जो पुस्तक लिखा गया इंडिका प्रसिद्ध पुस्तक है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध हुआ है? तो इंडिका में वर्णन है। अगला पॉइंट है, सेंड्रो कोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने करवाई? विलियम जोन्स ने। अगला पॉइंट है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। अगला पॉइंट है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो मस्की का लघु शिलालेख। अगला पॉइंट, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? तो पाली भाषा का वर्णन है। अगला पॉइंट है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो सही आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला पॉइंट है, सम्राट अशोक के पिता थे? तो बिंदुसार, इसको आप सीरियल से याद रख लीजिए। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक। एग्जाम इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार या बिंदुसार के पुत्र का नाम तो अशोक। अगला पॉइंट है, गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त हो जाएगा। अगला पॉइंट, अंतिम मौर्य सम्राट था? विरिद्रथ।
अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सुग वंश। अगला पॉइंट है, निम्न में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला पॉइंट है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? मध्यकाल में। अगला पॉइंट है, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो अकबर हो जाएगा इसका आंसर। अगला पॉइंट है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो मलिक जानी। अगला पॉइंट है, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठानशील रूप से पुनः स्थापित हुई? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा है बिहार के रोहतास जिला में सासाराम, जगह का नाम याद रख लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में। अगला पॉइंट है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? शेरशाह सूरी ने। और पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। अगला पॉइंट है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो शेरशाह सूरी हो जाएगा इसका आंसर। अगला पॉइंट है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शासक कौन था? तो शेरशाह सूरी। अगला पॉइंट है, नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? बख्तियार खिलजी। अगला पॉइंट, अकबर ने बंगाल तथा बिहार का मुगल साम्राज्य में मिलाया? 1576 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, दिल्ली सल्तनत या मुगल काल में बिहार का क्या महत्व था? इसका एकमात्र महत्व यह था कि यह भौगोलिक रूप से दिल्ली बंगाल के मध्य में स्थित प्रदेश था। अगला पॉइंट है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान की 12 अगस्त 1765 को। अगला पॉइंट है, मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? तो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। अगला पॉइंट है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? तो मीर कासिम ने। अगला पॉइंट है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान डिप्टी दीवान नियुक्त किया? तो सीताब राय को। अगला पॉइंट है, गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अगला पॉइंट, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था वहावी आंदोलन का। अगला पॉइंट, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा? तो जगदीशपुर में। अगला पॉइंट है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? वीर अली खान हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला पॉइंट है, 1857 की क्रांति में बिहार के नेता थे? कुंवर सिंह हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1866 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र थे? चंपारण तथा मुजफ्फरपुर। अगला पॉइंट है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 में किया गया। अगला पॉइंट है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। अगला पॉइंट है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार में उड़ीसा का नया प्रांत का निर्माण हुआ का नेतृत्व किया? सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 में। अगला पॉइंट है, देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब्दुल कलाम आजाद हो जाएगा इसका आंसर। अगला पॉइंट है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? गांधी जी हो जाएगा इसका आंसर। अगला पॉइंट है, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहां प्रारंभ किया? चंपारण में 1917 में किया था। अगला पॉइंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह जेवी कृपलानी जयप्रकाश नारायण में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण इसका आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तीनकठिया प्रणाली से नील की खेती के विरोध में। अगला पॉइंट है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? चंपारण क्षेत्र की। अगला पॉइंट है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो गया में। एग्जाम में यह पूछा भी जाता है। अगला पॉइंट है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फणीन्द्र नाथ घोष। अगला पॉइंट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था मार्च 1929, और गठन जो किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। सोनपुर मेला के अवसर पर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा का गठन किया था। अगला पॉइंट है, सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि पटना साहिबगंज बरही तथा मुजफ्फरपुर में से एक में से अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब से हो गए थे? तो बरही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरोध आंदोलन का एक हिस्सा था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला पॉइंट है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1931 में। एग्जाम में यह पूछा जाता है, बीपीएससी एग्जाम पिछले 2 वर्ष से यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण हो जाएगा इसका आंसर। अगला पॉइंट है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई 1934 में। अगला पॉइंट है, मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अगला पॉइंट है, बिहार उड़ीसा का विभाजन हुआ 1936 में। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ था 1912 में बिहार और बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल से बिहार अलग हो गया था, इसके बाद 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। अगला पॉइंट है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद गया एवं पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, यह जो हुआ था 1939 में। अगला पॉइंट है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया? 1942 में। अगला पॉइंट है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतर प्रभावित जिला था? तो पटना जिला अधिकतर प्रभावित था। अगला पॉइंट है, 1942 का आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में। एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है? तो बाबू महेश्वर प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला पॉइंट है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? श्री दीप नारायण सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में। अगला पॉइंट है, बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ 1950 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूमि क्षेत्र। अगला पॉइंट है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। अगला पॉइंट है, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अभी भी यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और झारखंड का भी पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। अगला पॉइंट है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासन काल में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? कालाशोक के शासन काल में। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था और दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। यहाँ पर दिया हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके समय में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में। अगला पॉइंट है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के जिन कारणों की भविष्यवाणी की उसमें सम्मिलित है? अग्नि एवं जल। अगला पॉइंट है, किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया? तो राजगीर में। अगला पॉइंट है, जैनियों के 24 तीर्थकरों में से किस तीर्थकरों ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? तो पारसनाथ में। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेशों में समानता थी तो पशु बलि का विरोध। अगला पॉइंट है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है तो तीनों धर्म हो जाएगा, सिख जैन और बौद्ध। अगला पॉइंट है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ तो 315 ईसा पूर्व में। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था, सेल्यूकस हो जाएगा। अगला पॉइंट है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन है तो इंडिका पुस्तक में इसका वर्णन है। अगला पॉइंट है, यूनानी दूत डिमोक्लिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ तो बिंदुसार के दरबार में। अगला पॉइंट है, फाहियान किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? फाहियान चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला पॉइंट है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला पॉइंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करने वाला दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन था? इत्सिंग। अगला पॉइंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में। अगला पॉइंट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो गुप्तकाल हो जाएगा और संस्थापक थे कुमार गुप्त, यह भी याद रख लीजिएगा। अगला पॉइंट है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन। अगला पॉइंट है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक का नाम है तो धर्मपाल हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। अगला पॉइंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 8वीं शताब्दी में। अगला पॉइंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से होती थी? तो तंत्र विज्ञान हो जाएगा। अगला पॉइंट है, विक्रमशिला कहाँ स्थित है? भागलपुर जिले में कहलगांव के निकट। अगला पॉइंट है, किस आधुनिक शहर का पुराना नाम ओदंतपुरी था? तो बिहार शरीफ हो जाएगा। अगला पॉइंट है, मध्यकालीन बिहार में आने वाली ईरानी यात्रियों में से कौन एक धर्माचार्य था? मुल्ला बहबहानी हो जाएगा इसका आंसर। अगला पॉइंट है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था? तो रॉल्फ फिच हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रख लीजिएगा। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज का नाम है रॉल्फ फिच। अगला पॉइंट है, किस विद्वान को अपने साथ पुरुषपुर ले जाने के लिए कनिष्क ने पहली शताब्दी में पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था? तो अशोक घोष हो जाएगा। अगला पॉइंट है, सन 514 में हुन शासक मिहिर कुल ने किसके शासनकाल में मगध पर आक्रमण किया था? नरसिंह गुप्त बालादित्य के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच किस स्थान पर युद्ध हुआ था? तो चौसा नामक स्थान पर, चौसा का युद्ध भी इसको कहते हैं। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। अगला पॉइंट है, 1573 में अफगान जागीरदार दाऊद खां और किसके बीच युद्ध छिड़ा था जो पटना के आसपास के क्षेत्रों में करीब एक वर्ष तक चला था अकबर के बीच? अगला पॉइंट है, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ तो 1580 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई 1906 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ 15 अप्रैल 1930 को। अगला पॉइंट है, बिहार में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो गांधी मैदान पटना में स्थापित हुई है की ऊंचाई है 74 फीट है। अगला पॉइंट है, बिहार विधानसभा के वर्तमान में कितने सदस्य है? 243 है। विधान परिषद में आपको याद रख लेना है 75 है। लोकसभा में बिहार में सदस्यों की टोटल जो संख्या निर्धारित है 40 है। राज्यसभा में 16 सीट निर्धारित है बिहार से। सभी पॉइंट याद रख लीजिएगा, 243 है विधानसभा में, विधान परिषद में 75 सीट है, लोकसभा में 40 सीट है, राज्यसभा में 16 सीट है। अगला पॉइंट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 3 फरवरी, डेट भी याद रखना है, डेट भी पूछ दिया जाता है 3 फरवरी 1916 को। अगला पॉइंट है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा। अगला पॉइंट है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगला पॉइंट है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो 45.85% लेकर। अगला पॉइंट है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगला पॉइंट, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है तो सफेद आम हो जाएगा। अगला पॉइंट है, बिहार में कौन से समूह की नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों में से उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो गंडक, कमला, बागमती हो जाएगा और कोसी नदी भी मिलती है। अगला पॉइंट है, कौन सी नदियाँ बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो कर्मनाशा, गंडक, घाघरा, तीनों नाम याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी याद रख लीजिएगा।
अगला पॉइंट है सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कोसी नदी, इसलिए बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगला पॉइंट है सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है अमरकंटक से और सोन नदी पटना के पास आकर गंगा नदी में मिलती है। अगला पॉइंट है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, गंडक नदी से। अगला पॉइंट है संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, मैदानी क्षेत्र में बिहार राज्य स्थित है। अगला पॉइंट है बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है, पूर्णिया सहरसा दरभंगा मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में मिलती है। अगला पॉइंट है बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है, तो सोन नदी हो जाएगा इसका आंसर। अगला पॉइंट है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित है लगभग 6.6%, लेकिन रहना जो चाहिए 33%। अगला पॉइंट है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, सबसे मेन जो है चावल है, इसके बाद गेहूं मक्का भी हो जाएगा, खाद्यान्न फसलें में से हो जाएगा इसमें से चावल गेहूं मक्का। अगला पॉइंट है बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है, तो 57% हो जाएगा। इस तरह से बिहार जीके से संबंधित टॉप 200 वन लाइनर क्वेश्चन आप देख लिए, और आप लोगों को सेपरेट टॉपिक पर भी वीडियो मिलेगा बिहार जीके से संबंधित, जैसे जनगणना संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरे डिटेल्स जानकारी के साथ बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार की कृषि संबंधित सेपरेट टॉपिक पर भी आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे।